स्वागत है फ्रेंड आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहां पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या है हाइड्रोकार्बन। एंड हाइड्रोकार्बन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो इससे पीछे की वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं और आज उसी का पार्ट नंबर हाइड्रोकार्बन का पार्ट नंबर 3 है। कौन सा है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, जहां पर आप सीखने जा रहे हैं एल्केन सीरीज की आईपीएसी नेमिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको मेरी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो अब अगर आपको नहीं आता तो आपको स्क्रीन पे अभी आईपीएसी नेमिंग दिख जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएसी नेम। एग्जाम में एक दो बार क्या है आईपीएसी नेम का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। तो आप हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एल्केन सीरीज के बारे में डिस्कस करना है और कुछ कंपाउंड्स मैंने यहां लिखे हुए हैं एंड दीज आर बिलोंग्स टू एल्केन सीरीज। ठीक है, बट इसको मैंने डिफरेंट टाइप में लिखा हुआ है। इसको पहले समझते हैं कि जिस टाइप में लिखा गया है इसको बोलते क्या है, फिर इसका हम क्या करेंगे आईपीएसी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तीन से चार तरह के क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनते हैं। एग्जाम में जो तीन से चार तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन बनते हैं हम आपको आज विद इन टेन मिनट्स के अंदर हम क्या करेंगे इसको डिस्कस कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इस तरह का कंपाउंड, देखिए एल्केन ही है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है CnH2n और क्या होता है प्लस 2 होता है। यही तो होता है भाई लोग, यही होता है CnH2n प्लस 2 होता है। तो अगर देखा जाए तो C3 3 2 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये एल्केन ही है। अगर आप यहां देखें तो क्या है 1 2 3 4 दिया है, यानी कि कार्बन क्या हो गया C4 हो गया। तो 4 2 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में एल्केन ही है, इतना परेशान होने जो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो आपको समझाया गया है कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सीरीज कैसी है एल्केनी है, सब एल्केनी है, टाइप समझ लीजिए। तो इसमें तीन से चार तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आईपीएसी नेमिंग के करने से पहले पहले ये सीख लीजिए कि इस तरह के फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, इस तरह के फॉर्मूले को क्या बोला जाता है और इस तरह के फॉर्मूले को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, अगर कहीं फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। याद रखिएगा यह क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यह अगर ऐसे ब्रांचेस के रूप में, ऐसे बॉन्ड के रूप में अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाया गया, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बनाना चाहो तो कैसे बन जाएगा C4H10 बन जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बट इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस तरह से ब्रांचेस के फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसका ये क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये दोनों एक जैसे हैं भाई लोग, ये दोनों क्या है एक जैसे हैं, बोलो एक जैसे कि नहीं। तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड लिखा होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लिखते जाइएगा स्ट्रक्चरल कुछ डिफरेंट तो नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट लिखने का टाइप चेंज कर दिया गया। ठीक है, कैसे लिखा गया जरा देखिए, यह आपकी कार्बन है, मान लो इसको कार्बन नंबर 1 मान लिया आपने, तो यह कार्बन है और यह कार्बन, किसके कितने हाइड्रोजन इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन। तो इन तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से ना लिख करके इस C के साथ ऐसे लिख दिया गया CH3 लिख दिया गया, और जो ये वाला बॉन्ड था ऐसे दिखा दिया गया। बोलो इस वाले 2 वाले कार्बन पे आ जाओ तो 2 वाले कार्बन पे क्या हो गया, ये 2 कार्बन दिया हुआ है ना, इस पे कितने हाइड्रोजन है 1 and 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 कर दिया और ये वाला बॉन्ड, ये पीछे से बॉन्ड ये आगे वाला बॉन्ड, तो यहाँ CH2 हो गया। ठीक है, इस वाले कार्बन पे आ जाओ, बॉन्ड दोनों दिया हुआ तो इधर और इधर बॉन्ड लगा हुआ CH2 सारे ऐसे ही है, और लास्ट वाले में CH4 देख रहे हो 1 2 3 इस तरह से।
तो अगर कंपाउंड कहीं इस तरह से लिखा होगा तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं, याद रहेगा। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत। ये कंडेंस फॉर्मूला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जरूर सीखिए, ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनाएगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कैसा बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसमें है क्या, जरा देखिएगा, हर एंड के ऊपर कार्बन माना जाता है। क्या माना जाता है? हर एंड के ऊपर कार्बन माना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आप यहाँ एक कार्बन देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, सी एक बॉन्ड बनाए, ये आपका बॉन्ड है, ये एंड पे क्या है, कॉर्नर पे, ये वाले क्या है, कार्बन है, ठीक है, और बीच वाले क्या है, बॉन्ड है। जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो गया, फिर उसके बाद ऐसे आया, ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद ऐसे आया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ पर कितना दिया हुआ, वन बॉन्ड दिया, इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, CH4, देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है, देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये जरूर सीखना, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक, इसकी भी आई, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ तो क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इस तरह से दिया हुआ, फैला के लिखा हुआ, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और ऐसे इस तरह से दिया गया तो बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। और अगर इस तरह से दिया तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको कंडेंस फॉर्मूला, और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये मैंने बता दिया कि इस टाइप को बोलते क्या है। अब हम सीखने जा रहे हैं इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग क्या है, ठीक है। तो पहले इसे नोट कर लो, फिर आईयूपीएसी नेमिंग बता देते हैं, नोट करो। चलिए, आपने लिख लिया होगा। अब आइए मेन काम करते हैं, जो हम पढ़ने चल रहे हैं, क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग। कंपाउंड जो दिए गए हैं इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो अभी हमने क्या सीख लिया कि पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को बोला क्या जाता है, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में, कि इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते कैसे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल दो मिनट के अंदर सारे के सारे हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया, 3। 3 के लिए आ जाओ, 3 के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है क्या होता है, प्रो। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रो। तो आपने क्या लगाया, प्रो, ठीक है, क्या लगाया, प्रो। अब जरा देखो कि यहां पर सफिक्स क्या लगाएंगे, तो सफिक्स आपके ए एन एम दिए हैं, ई एन एम दिए हैं, और आई एन आई, ये वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर देखें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सफिक्स, एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, या ए लगाएंगे, तो देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन प्लस टू अगर है, ठीक है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 है, तो 3 का जस्ट डबल क्या है, 3 का जस्ट डबल क्या होता है, 6 होता है, 6 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8। तो क्या हो गया, तो यानी कि यह क्या होगा, सब फॉर्मूला फॉलो कर रहा है इस वाले फॉर्मूले को, और इस वाले फॉर्मूले के जो सफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं भाई लोग, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी अगर इस तरह के फॉर्मूले दिए हैं तो वो आप आसानी से कर पाओगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो इस तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, जरा सीखो, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, बाकी ये आसान माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, जरा देखो, कार्बन की काउंटिंग करो, कार्बन की काउंटिंग कैसे करोगे, ये 1 2 3 4 हो गया, काउंटिंग इधर से करो या इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन तो उतने ही रहेंगे, चाहे तुम लेफ्ट टू राइट करो, चाहे तुम राइट टू लेफ्ट करो, ठीक है, कोई भी करो, नंबर ऑफ कार्बन तो उतने ही रहेंगे ना। हाँ, एक टर्मिनोलॉजी और सीख लीजिए कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जो कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनती है, इसको बोलते हैं पेरेंट पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं, याद रहेगा। ये जो चेन बन रही है इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। ये क्या है, पेरेंट चेन है, तो ये भी याद रखिएगा, इसको पेरेंट चेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, ठीक। तो आप देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है, नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए क्या लगाते हो, ब्यूट लगाते हो, क्या लगाते हैं, ब्यूट,
यहाँ क्या हो जाएगा ब्यूट। अब देखो डबल ओवर पूछने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत ही नहीं है। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देयर इज सिंगल बॉन्ड, फॉर द सिंगल बॉन्ड यू विल ऐड सफिक्स एज अ सफिक्स एन, याद आ रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा, सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है एन लगता है, सफिक्स दैट मींस जो लास्ट में लगा जाता है उसे, ये रूट वर्ड है और ये क्या है सफिक्स है। यहां आ जाओ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 देखो यहां 7 दिया होगा, 7 के लिए क्या लगा तो हेप्ट, तो यहां क्या हो गया हेप्ट हो गया। कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो इट विल बी एन हेप्टेन। यहां आ जाओ काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां क्या हो जाएगा 8 के लिए, फॉर 8 यू विल बी ऐड ऑक्ट, ठीक है क्या ऐड करते हो ऑक्ट यूज करते हो, क्या हो जाएगा ऑक्ट और ऑक्ट। देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन तो इट विल बी एन, क्या हो जाएगा ऑक्टेन, सब में सिंगल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक है। कार्बन बॉन्ड करो 1 2 3 4 5, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 के लिए, फॉर द 5 यू विल यूज पेंट, क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा पेंट, और सफिक्स का यूज होगा एन, नाम क्या हो गया पेंटेन। तो ये हो गया एल्केन सिनेम ऑफ एल्केन सीरीज। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, कैसे पूछा जाता है आप इसको नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ठीक है आपने इसे करना है, ठीक है। ये आप देखो इसके पीछे में आईबीसी की प्रैक्टिस कराई, तो आप इसमें लिखो ये किस तरह का फॉर्मूला है, अगर ऐसे दिया तो इसको क्या बोलोगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अगर ऐसे दिया तो इसको क्या बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे दिया तो क्या बोलोगे कंडेंस फॉर्मूला, ऐसे दिया तो क्या बोलोगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है प्रैक्टिस कर लिया आपने। अब ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है ये क्या आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कमेंट में इसका नाम लिख करके, आप आईबीसी नेमिंग का नाम लिख करके कमेंट में आप दे देना इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है मैं चेक कर लूंगा, ठीक। उसके बाद अब मैं आगे के टाइप, तो ये आपका होमवर्क हो गया, अब इसको आप लिख लो, फिर आगे का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन और बनता है इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक इसके लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन टाइप डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो आपको आ ही गया है, तो अब अगले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए लिख लिया होगा, तो अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, देखो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, या और करके दिया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जा सकता है, कंडेंस फार्मूला पूछा जा सकता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला पूछा जा सकता है, फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड, मतलब इसमें से सारे ही पूछेगा, ये भी जान लीजिएगा, इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा ये वाला ज्यादा है, ठीक है। कि मतलब या तो इसका कभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब चारों फॉर्मूले बनाने हैं, 1 2 3 4, चार तरह के फॉर्मूले मैंने बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया है, ये आपकी आईबीएससी नेमिंग दी हुई है, क्या दी हुई है आईबीएससी नेमिंग दी हुई है, और इसी से इस तरह के फॉर्मूले आपको क्या करने बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे जरा देख लेते हैं, इसमें से आप चार क्वेश्चन दिया है, चार में मैं आपको एक समझाऊंगा, बाकी तीन आप खुद करोगे, और मैं इसमें से मैं उठा ले रहा हूँ पेंट उठा ले रहा हूँ, ठीक है, या आप कह रहे हो कि आप आसान वाला कर रहे हो, तो मैं चलिए हेड वाला उठा लेता हूँ, ठीक। आप हेड वाला, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आसान वाला उठा रहा हूँ, ठीक है। हेड की बात करते हैं, तो बाकी सारे आप करोगे, हेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यानी कि हेड का हेप्टेन दिया हुआ, ठीक है। तो हेप्टेन का मैं करने जा रहा हूं पहले, पहला क्वेश्चन क्या करने जा रहा हूं, जनरल फॉर्मूला करने जा रहा हूं, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने जा रहा हूं। कैसे करोगे जरा देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया तो सारा बन गया, ये भी याद रखो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे जरा देखो, हेप्टेन दिया है, हेप्ट दिया है बेटा जी, हेप्ट दिया हुआ है, हेप्टेन दो भाग में डिवाइड कर दिया, ये आपने रूट वर्ड कर लिया, रूट वर्ड हेप्ट, और ये आपने सफिक्स कर लिया एन। अब हेप्ट मतलब क्या होता है, 7 कार्बन, हेप्ट मतलब क्या होता है 7। तो अब आप देखो n = आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया कि नहीं मिल गया, n = 7 मिला कि नहीं मिला, तो क्या हो गया हेप्ट मतलब क्या होता है, अगर आप देखो तो हेप्ट मतलब 7, ये तो याद होना चाहिए, याद रखिएगा, ये याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, और याद करने में कोई 5-6 दिन का एक साल नहीं लगेगा, इसको तुरंत 2 मिनट के अंदर 8 नंबर के पढ़ो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ आपने क्या करना है, हेड के लिए क्या होता है 7 कार्बन, तो आपने लिखा C7 लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या लगा है, एन लगा है भाई लोग, क्या लगा है एन लगा है, तो एन के लिए जनरल एन, ए एन ई एन, मैंने बताओ पहले सेकंड वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है
कि एन एन के लिए क्या लगता है, वीडियो अब तक अगर आप पीछे आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो एन के लिए जो नंबर होता है क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू होता है, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। अब जनरल एन के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया, पुट द वैल्यू क्या हो जाएगा, सी सेवन एच 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, ये आपने बना लिया। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यानी कि ये क्या बना आपका, ये आपका बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, कितनी बन गया मेरे, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इधर देखो बहुत ही आसान होता है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख गया तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बस यूं बनता है। कैसे बनता है, जब देखो सेवन कार्बन दिया है तो क्या करोगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, बना दिया कि बना दिया, एन दिया है। अब याद करो एन, एन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, एक दो तीन चार पाँच छ हो गए कि नहीं हो गए, एक कार्बन के पास वन बॉन्ड है, कितने देने पड़ेंगे, थ्री, वन टू थ्री, दो बॉन्ड पहले से दो, ये सब पढ़ चुके हो तुम, हाँ पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है, जितने हाइड्रोजन है सबको सजा दो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, देखो परफेक्टली बैठ गया, नहीं बैठ गया, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भाई, कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला कैसे करते हो, इसी को कंडेंस कर दो, सी के साथ तीनों हाइड्रोजन लगा दो, यानी कि सी एस थ्री बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन सी एस टू, सी एस थ्री सी एस टू, सबको कंडेंस करते चले जाओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात है ना, इसको मैं डालूंगा, आपने लिख लिया होगा सी एस थ्री सेवन हो गया कि नहीं हो गया, देखो कंडेंस फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। और भाई लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा आसान है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या मेन चीज जो है आपका है ये लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाकी सब बहुत आसान है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए क्या करो, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के लिए आप देखो, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये ऐसे गिनती गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, याद रखिएगा ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैंने गिनने के लिए किया, एक दो तीन चार पांच छ और एक सात, ये आपका कौन सा फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये आपको मैंने आईटीसी नेमिंग ऑफ एल्केन सीरीज करा दिया। तो अब अगली क्लास में हमें क्या करना है, याद रखिएगा अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पार्ट थ्री पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पार्ट थ्री की फोर होगा जो भी होगा, पार्ट जो भी होगा मेरे को याद नहीं आ रहा, पार्ट फोर है शायद, पार्ट फोर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में आईयूपीएसी नेमिंग, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन सीरीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एल्कीन सीरीज पढ़ेंगे। तो भाई लोग एल्कीन सीरीज के लिए क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में जाना है, ठीक है। और बता दें कि एल्कीन सीरीज एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज से ही आईयूपीएसी नेमिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा, बाकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन आपके यहां से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और चैनल इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जैसा कि आप सीख पा रहे हो आपके फ्रेंड भी क्या कर पाए, एज यूजुअल आपकी तरह ही वो भी क्या कर पाए, सीख पाएंगे, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।